दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाला हूँ, उस देश को अगर दुनिया का सबसे रहस्यमयी कंट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहते हैं कि यहाँ का खाना जिसने एक बार के लिए टेस्ट किया वो उसे कभी भूल नहीं सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर 3000 से ज्यादा तरह के आलू मिलते हैं? वही दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि इस देश का सीधा कनेक्शन दूसरे प्लैनेट के लोगों से, यानी कि एलियंस से है। इस देश में एक या दो नहीं बल्कि 3-3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। दोस्तों, सबको लगता है कि सहारा डेजर्ट ही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन जिस देश की आज हम बात करने वाले हैं वहाँ का भी रेगिस्तान किसी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पेरू देश के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियाँ देने वाला हूँ, तो बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पेरू, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। इस देश का बॉर्डर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया, चिली और पैसिफिक ओशन से मिलता है। देश की कुल जनसंख्या है 3 करोड़ के आसपास और पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है। इस कंट्री के पास टोटल लैंड एरिया है 1,02,80,000 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पर आपको 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिल जाते हैं। यहाँ की 80% आबादी बड़े शहरों में रहती है, जबकि 20% आबादी गांव की है। वहीं आज के दिन पेरू को जवान देश कहा जाता है, क्योंकि औसतन इस देश के लोगों की उम्र इस समय सिर्फ 31 साल ही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पेरू में 3-3 भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे 3 हैं, स्पैनिश, क्वेचा एंड आयमारा। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ पर आज भी 70% से ज्यादा लोग स्पैनिश बोलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल के आसपास के लोग कम से कम 13 भाषाएं बोल लेते हैं। यहाँ की बात भी हमारे देश की तरह ही है, हर एरिया की अपनी ही भाषा है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वंडर प्लेस यानी कि माचू पिचू पेरू देश में ही है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस देश में सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि पहाड़ की चोटी पे, एक ऐसा शहर बना हुआ था जिसके बारे में लोगों को पता तो था लेकिन कोई इसे ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट हीरम बिंघम ने इस शहर को खोज निकाला। दोस्तों, आज भी इतनी सुविधा होने के बाद भी लोग इस माचू पिचू को देखने के लिए पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते हैं। और आज से सैकड़ों साल पहले कैसे इतनी ऊंचाई पे घर बनाए गए होंगे वो वाकई में किसी को भी चौंकाने वाली बात है। अब खुद ही सोचिए कि आज भी जो इस टूरिस्ट प्लेस तक पहुंचते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है। ऐसे में उस जमाने में कैसे इतनी ऊंचाई पे काम किया गया होगा, ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि माचू पिचू को 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, अगर उनके हाथ में एक बॉटल और एक कैमरा हो तब भी वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ का नजारा तब कैसा रहा होगा जब इतनी ऊंचाई पे घर बनाने के लिए सामान की सप्लाई की जाती होगी, वो भी तब जब न कोई गाड़ी थी और न कोई और साधन। चल दोस्तों, अगर आपको मोटे होने का शौक है तो पेरू आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन आप कहोगे कि भाई मोटे होने का शौक किससे होता है, तो आपको बता दें कि इस देश में आपको 3000 से ज्यादा अलग अलग किस्म के आलू खाने को मिलते हैं। जी हाँ, क्या आप सोच भी सकते हैं कि 3000 से भी ज्यादा वैरायटी होती है इस देश में आलूओं की? कहते हैं कि पेरू से ही ज्यादातर साउथ अमेरिकन देशों में आलू एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी का नाम क्या है? दोस्तों, ये है एंडियन कॉन्डोर। और अगर आपको इसे सचमुच में अपनी आंखों के सामने उड़ते हुए देखना है तो आपको पेरू जाना होगा। जी हाँ, यहाँ के एंडस माउंटेन्स पर ये पक्षी नजर आ जाते हैं। इन्हें देखने के बाद आपको पहले यकीन ही नहीं होगा कि पक्षी क्या ये इतने बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ का नजारा भी कमाल का होता है। दोस्तों, क्या आपने लेक टिटिकाका के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ झील है। जी हाँ, पेरू में स्थित ये झील 11,436 फीट पर है। इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ की सुंदरता अलग ही लेवल पर है। आपको हर समय इस झील के पास हजारों टूरिस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि ये पेरू का बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। क्या बात है। दोस्तों, क्या आपने मिस्टीरियस नाज़का लाइंस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि ये सबसे रहस्यमयी जगह है दुनिया की। जी हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े 70 चित्र बने हुए हैं, जिनमें से कुछ इंसानों के हैं तो कुछ जानवरों के। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में रेखाएं भी खींची हुई हैं। कहते हैं कि ये जगह है दुनिया की सबसे बड़े मिस्टीरियस जगह, और आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं एक साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि ये शायद एलियंस का किया हुआ काम है, जो कि हजारों साल पहले इस जगह पे उतरते थे और उनकी मदद करने के लिए कुछ धरती के इंसान आते थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। वैसे आपको बता दें कि इस देश में माना जाता है कि अमेज़न के जंगलों में एलियंस आज भी आते हैं और वो आज भी किसी न किसी इंसान के संपर्क में है। एक बार ये नजारा देखिए। अब आपको जितना सुंदर ये व्यू दिख रहा है, जितनी सुंदर ये प्लेस दिख रही है,
उतनी ही खूबसूरत मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, एंड दैट इज आप लोग रेफर एंड अर्न करके ऑलरेडी पैसे कमा रहे हो अपस्टॉक्स के साथ, बट जहां पे आपको अभी तक 600 या 300 रुपए रेफर करने के मिल रहे थे, आज आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके देखिए, आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं एक इंसान को रेफर करने के। इसका मतलब है अगर आपने 10 लोगों को रेफर किया यू गेट 10,000 रुपीज इन योर अकाउंट, और अगर आपने 100 लोगों को रेफर किया आपको 1,00,000 रुपए मिलते हैं। तो आप प्लान कर सकते हो आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, रेफर एंड अर्न से ऑलरेडी लोग पैसा कमा रहे हैं, एंड आप लोगों का अगर ऑलरेडी अकाउंट है आप स्टॉक्स पे आप रेफर करना शुरू करो, और अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं एंड इंस्टा पे देख रहे हैं तो बायो में लिंक है, जाके तुरंत अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, बिकॉज 1000 रुपये एक रेफर का किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस वक्त नहीं मिल रहा है। सो स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ। दोस्तों पेरू देश को कंट्री ऑफ बर्ड्स कहें तो गलत नहीं होगा, आपको इस देश में एक से बढ़कर एक अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। क्या आपको पता है कि पेरू के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है कि यहाँ पर एक समय पर एक साथ आपको सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। क्या बात है, शायद इसीलिए इस देश को साउथ अमेरिका का सबसे स्पेशल देश कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरू देश में पिस्को सार को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर आपको हर रेस्टोरेंट में हर घर में ये पिस्को सार मिल जाएगा। इस जूस में लेमन, शुगर, वाटर, एग वाइट्स, आइस को मिलाया जाता है। कहा जाता है कि जिसे ये पसंद आता है वो इसे कभी भूल नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों को ये ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, हालांकि ये सबसे कॉमन है पूरे पेरू में। पेरू के लोगों के बीच में पुराने कार्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को ओल्ड कार मॉडल्स इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि ज्यादातर नई कार्स को भी पुरानी बना देते हैं, उसकी बॉडी को चेंज कर देते हैं, और वाकई में कई बार आपको यहाँ के रोड पे कमाल के नज़ारे देखने को मिलेंगे जब बहुत ज्यादा संख्या में आपको ओपन कार्स नजर आती हैं। दोस्तों पेरू के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ के लोग अपने इमोशन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाते। कहते हैं कि यहाँ के लोग या तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं या वहीं वो बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं, वो भी आप फील कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे कोई फुटबॉल मैच होता है तो स्टेडियम का नज़ारा कमाल का होता है। अगर पेरू की टीम जीत गई तो समझिए कि यहाँ पर एक हफ्ते तक पार्टी का माहौल होता है, नहीं तो सब रोते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बढ़िया खाने की जब बात आती है तो इसमें टॉप 3 देशों में पेरू का नाम भी लिया जाता है। जी हाँ भैया, बहुत ही कमाल की बात है। यहाँ का खाना खाकर कोई ये नहीं कह सकता है कि मज़ा नहीं आया। हम हिंदुस्तानियों की तरह ही यहाँ के लोगों का टेस्ट भी चटकारों वाला है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए जन्नत है, लेकिन अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं तो भी ये देश आपका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करता है। एक से बढ़कर एक अलग अलग तरह के सूप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वाकई में फूड के मामले में ये देश जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं कि सबसे हेल्दी खाना खाने के मामले में जर्मनी के बाद पेरू का ही नाम आता है। अगर आप कभी जाओ पेरू घूमने तो यहाँ के अलग अलग तरह के खाने का स्वाद चखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेरू में 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हर धर्म के लोग बसते हैं और किसी के साथ आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, चाहे आपकी मान्यता अलग अलग ही क्यों ना हो। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है और दुनिया को पेरू के लोगों से सीखने की जरूरत है। दोस्तों इस देश में सोने का उत्पादन खूब होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में पेरू 6 नंबर पे आता है। खास बात यह है कि इस देश के सोने को बहुत ही हाई रेट किया जाता है। आज के दिन में पेरू का सोना दुनिया के हर कोने कोने में पहुंचता है। कहा जाता है कि यहाँ की इकोनॉमी इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के रेट पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पूरे साउथ अमेरिका देशों में अमेजन जंगल फैला हुआ है। आपको बता दूं कि पेरू का 60% हिस्सा भी इन जंगलों से घिरा हुआ है। इस मामले में पेरू ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ की सबसे ज्यादा हिस्सा अमेजन जंगल से भरा हुआ है। वाकई में यहाँ पे अमेजन जंगल का नजारा ब्राजील से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। दोस्तों पेरू देश की एक अलग ही परंपरा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पेरू में एक ऐसा नियम भी है जहाँ पर शादी से पहले भी लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं, जिसे ट्रायल शादी के नाम से जाना जाता है। अगर इस ट्रायल शादी के दौरान बच्चा हो गया और इन्हें लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो बच्चे को कम्युनिटी में दे सकते हैं और लड़का लड़की अलग हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही ओपन सोच है, बहुत ही अलग है, लेकिन मेरे ख्याल में इस नियम को बदलने में ही भलाई है। अगर नहीं दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आपने कभी विनिकुमका माउंटेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इसे रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। यहाँ की बात ही अलग होती है, हद से ज्यादा खूबसूरत ये पहाड़ कलरफुल नजर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो पहुँचता है वो इस लोकेशन को देख कर कहीं खो जाता है। वाकई में दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। हालांकि आपको बता दूं कि इस माउंटेन पे पहुंचने में कहा जाता है कि कम से कम 6 दिन का वक्त लगता है। भाई बात तो सही है, अगर आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ देखने हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों अमेजन रिवर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, उसकी शुरुआत भी पेरू देश से ही होती है। तभी तो कहा जाता है कि पेरू देश जो है वो नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, और यहाँ के लोग बहुत लकी हैं कि आज के ज़माने में भी ये नेचर के इतने करीब हैं। क्या बात है।
अब जब बात है ये नेचुरल ब्यूटी की, तो आपको बता दूं कि पेरू की लड़कियों को भी बहुत खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की लड़कियों की बात करें तो ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर की होती हैं और जल्दी ही सबसे घुल मिल जाती हैं। लेकिन ये बात 100% सच है कि साउथ अमेरिका के किसी भी देश की तुलना में पेरू की लड़कियाँ सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। बाय द वे आपको बता दूं कि आप यहाँ की महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि इनकी शादी हो चुकी है या सिंगल हैं। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि महिला ने सर पे कौन सी हैट पहनी है। अगर महिला ने स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो शादीशुदा है, और अगर निटेड कैप्स पहनी है तो इसका मतलब है कि ये सिंगल है। तो दोस्तों ये था पेरू। कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी विजिट किया है ये कंट्री, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।